Good morning, students. How are you? Fine. In the previous lecture, we have completed our chapter number 4, heat and its effect. Now we will complete our question answers and exercise. Now, beta ji, open your books, page number 43. Page number 43. Speedily kariye. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिक्विड ट्रांसफर्ड हीट बाय ट्रांसफर हीट बाय लिक्विड हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं कन्वेक्शन बी पे मार्क करिए कन्वेक्शन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम जिसमें आपको मीडियम नहीं चाहिए कौन सा रेडिएशन सी पे मार्क करिए पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज हीटेड द अदर एंड ऑफ रॉड गेट्स हीटेड बाई एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको समझाते टाइम कंडक्शन सी ओ एन डी यू सी टी आई यू एन ए फोर्थ देखिए आपका द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस सी पे मार्क करिए द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस डी पे मार्क करिए 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज क्या बताया था 32 डिग्री फारेनहाइट अब सेवेंथ पे आइए आप ऑन डिपिंग अ प्लास्टिक एंड अ मेटल स्पून इन हॉट वाटर स्पून गेट्स हॉट देखिए आपने क्या किया कि मेटल का स्पून भी डाल दिया गर्म पानी में और स्टील का भी डाल दिया आपको पता है ना स्टील इज अ गुड कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर तो कौन सा गर्म होगा स्टील वाला तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बी स्टील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉज्ड बाय हॉटनेस और जो कोल्डनेस होता है वो क्यों होता है भाई सर्दी और गर्मी क्यों लगेगी आपको हीट के कारण लगेगी तो हीट इज द राइट आंसर कुकिंग यूटेंसिल्स नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कुकिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो किससे बनते हैं स्टेनलेस स्टील सब लोग अपने अपने घरों में देखते ही हो ना हैंड टेंथ नंबर है आपका हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल्स भाई हैंडल है मतलब आपको पकड़ के उतारना है अगर स्टील का हुआ तो जल जाएगा क्योंकि स्टील इज अ गुड कंडक्टर तो यहाँ पर क्या होगा इंसुलेटर बी इंसुलेटर ताकि आपका हाथ सेफ रहे ठीक है बी आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में देखिए आप थर्मामीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर भाई कौन सा होता है बताया था आपको क्लिनिकल सी एल आई एन आई सी ए एल सी एल आई एन आई सी ए एल क्लिनिकल थर्मोमीटर सेकेंड आइए ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भाई ऑल मेटल्स आएगा यहाँ पे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट थर्ड पे आइए आप थर्मोमीटर डू नॉट यूज मरकरी मरकरी का जो इस्तेमाल नहीं करता वो कौन से थर्मोमीटर होता है डिजिटल डिजिटल थर्मोमीटर जो होता है उनमें कभी भी मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है फोर्थ है शाइनी एंड सर्फेसिज आर बेटर रिफ्लेक्टर स्मूथ एस एम डबल ओ टी एच स्मूथ सर्फेसिज नंबर 5 पे आइए आप द लोअर फिक्स पॉइंट इज डिग्री सेल्सियस इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर भाई लोअर कितना हुआ 35 और हायर कितना हुआ 42 तो यहाँ पे आएगा 35 डिग्री सेल्सियस 6 नंबर पे आइए आप हीट इज मेजर्ड इन जूल्स जूल्स भी कह सकते हैं और कैलोरीज भी बोल सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 9th क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन के मैंने उसका इंडिकेशन लिखा है एक मिनट 6 नंबर आपका क्या था हीट इज मेजर्ड इन जूल कैलोरीज 7th नंबर था हीट कॉजेज ओ एक मिनट बेटा ये केल्विन मतलब 9 तो 6 हमारा हीट मेजर्ड इन द जूल्स कैलोरीज हो गया 7th है हीट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये 7th आ जाएगा सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ठीक है
सेवेंथ ही आ गया आपका। एट्थ आपका क्या बोल रहा है, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जे ओ यू एल ई। ये हमने जे इसका इंडिकेशन बताया आपको। नाइन्थ है आपका, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, ये आपका नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द नाइन्थ। ये सिक्स तक गए हम, सेवन एट नाइन यहाँ पे हो गया केल्विन। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, डोंट कंफ्यूज। यस, नाउ यू आर नॉट बीइंग कंफ्यूज्ड, आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। टेंथ आपका आता है, द थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ई एक्स पी ई एन एस आई ओ एन, एक्सपेंशन, फैलाओ। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, हो गया आपका। नाउ यू हैव कंप्लीट, यू हैव कंप्लीटेड बी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके। अब आप आइए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सी। पहला नंबर है आपका, व्हाट इज द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आप आंसर लिखेंगे, बुक में से ही चीटिंग करना है, क्वेश्चन में से ही। द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, क्या लिखेंगे, इरेज कर दूं इसे। फर्स्ट में आएगा इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकंड आ जाइए आप, व्हाट इज सी ब्रिज, सी ब्रिज के लिए देखिए बेटा पेज नंबर 42 पे जाइए, ये पेज नंबर 42 पे आ गया। यहाँ आप देखिए, द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। ये आपको नहीं लिखना है फिगर 4.18, ये आपका इंडिकेशन नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो मैंने आपको ओरली स्पीक करके बोला है उसको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए आप, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, तो आप कैसे लिखेंगे, बुक में से फिर चीटिंग करिए। द हीट फ्रॉम द अर्थ रीचेज द अर्थ, हाँ, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ये थर्ड वाला है आपका, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, हो गया आपका। फोर्थ है, हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर, तो आप बुक में से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। भाई थर्मोमीटर से तो आप मेजर करते हैं, एनी डाउट, नो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए ये डी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आंसर नंबर D1, व्हाई इज मर्करी थर्मोमीटर प्रेफर्ड ओवर एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक है ना। उसके लिए आप पेज नंबर 35 पे आइए, वही आप क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, मर्करी थर्मोमीटर इज, है ना, इज प्रेफर्ड ओवर एल्कोहल थर्मोमीटर बिकॉज लगा देंगे, और उसके बाद में कहाँ आएंगे, पेज नंबर 35 पे, ये यू नो दिख रहा है आपको, उसमें थर्ड लाइन पे आइए, जितना मैं बोलती हूँ उतना मार्किंग करिए, एल्कोहल थर्मोमीटर कैन नॉट, अगली लाइन में, कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर मर्करी थर्मोमीटर इज प्रेफर्ड टू एल्कोहल थर्मोमीटर, आ गया। अब आइए आपका थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्शन, गिव वन एग्जांपल टू शो द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, तो D2 का आंसर है 37 पे। देखिए
एग्जाम्पल भी देना है और आंसर भी देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, 37 पे आइए, कंडक्शन डार्क लाइन में देखिए सेकंड लाइन, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटीरियल। यह आपका आ गया, आफ्टर दैट यू विल शो द एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी तो उसको बताना है, तो आप अगली लाइन में लिखेंगे एग्जाम्पल। और देखिए यहाँ से आइए, वैन वी हीट, यू के बजाय ही वी करना है आपको, हम एग्जामिनर को नहीं होते हैं, आप बैठते हैं, नहीं हम बैठते हैं, हम अपना एक्सप्लेन करेंगे। तो वैन वी हीट वन एंड ऑफ अ स्टील स्पून बाय कीपिंग इट ओवर अ बुनसन बर्नर, यू फाइंड, नहीं वी फाइंड दैट इट्स अदर एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। हो गया आपका। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन रेडिएशन, गिव एन एग्जाम्पल टू शो द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन के लिए आपको आना है, हाँ जी आपको आना है पेज नंबर 42 पे, 42 पे आप चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की लाइन पे आइए। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। आ गया, यहाँ तक आपको मार्किंग करनी है, उसके बाद आते हैं उसके एग्जाम्पल के लिए, वो भी आपका 42 पे है, लेकिन यहाँ पे जहाँ रेडिएशन का पॉइंट डला हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है वी फील वार्म, यू फील नहीं आएगा, वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर। हो गया एग्जाम्पल आपका। नाउ व्हाट आर द टू कंडीशंस नेसेसरी, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, पेज नंबर 37 देखिए, यह आपको दिख रहा है पेज नंबर 37 है, ये बना हुआ है कंडक्शन ऑफ हीट, उसके नीचे देखिए सेकंड लाइन, हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर ओनली व्हेन दे आर नंबर वन इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर और बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, गिव एनी टू यूजेज ऑफ इंसुलेटर्स, पेज नंबर 39 पर आ जाइए, 39 पे दो यूजेस दिखाना है, पहला यूज आएगा एप्लीकेशन अप्लायंसेज लाइक कुकिंग पैन, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक ओवन एंड इलेक्ट्रिक केटल हैव वुडन और बैकेलाइट हैंडल्स बिकॉज दीज मटीरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पहला। दूसरा, फॉल्स सीलिंग आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेस्टस ऑफ वुडन प्लाईबोर्ड, दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू सीलिंग्स विच कीप्स द रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूलर कूल ड्यूरिंग समर। हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर आपका 6 मैं आपको करवा के बता देती हूँ। डी का है आपका 6 क्वेश्चन। तो टेम्परेचर कितना हो गया आपका, सेवेंटी सेवन डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको अपने को किस में करना है, सेल्सियस में करना है। फॉर्मूला देखिए, सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको फ़ारेनहाइट यानी कि ये क्या हो गया आपका, एफ की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे सी की वैल्यू आपको क्या करना है, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ बिल्कुल सही है आपका, मुझे थोड़ा डाउट हो गया फॉर्मूले पे, तो F माइनस 32 अपॉन 100 डिग्री यहाँ पे C अपॉन 100 हो गया, F की वैल्यू आपने कितनी करी, 77 माइनस 32 1 अपॉन 80,
C अपॉन 100, यानी कि C अपॉन 100 बराबर 77 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो 545 अपॉन 180 बचेगा बेटा। ठीक है, अब अपन आगे चले। 45 ही किससे जाएगा, 1 अपॉन 4 कर सकती हूँ मैं,